अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब में मौजूद सबक नंबर 2 जो कि हमारे पास नज़म है नात की सूरत में, उसकी बुलंदख्वानी भी करेंगे। उनके जो मुश्किल हमारे पास या नए अल्फाज हैं उनके मायने और मफहूम को भी जानेंगे और अशार की वजाहत भी की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नात क्या है। नात ऐसी नज़म होती है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, और नात ऐसी नज़म है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। तो चलते हैं, इसकी बुलंदख्वानी करते हैं, फिर जो इसमें नए अल्फाज आएंगे उनकी वजाहत भी साथ साथ कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास शेर है, नबी दूसरों के पेशवा बन के आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मगर मुस्तफ़ा बन के आए। कभी अर्श के कुंगरों को सवारा, कभी शम गारे हिरा बन के आए। वो मक्का की सख्ती वो ताइफ का मंज़र, मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। अमीरों को राज़े अखुवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नजाशी भी खादिम अबू ज़र भी खादिम, वो सुल्तान शाह व गदा बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कौनैन का मुद्दा बन के आए। शायर हैं इसके जो लिखने वाले हैं, उन शायर का नाम माहिरुल कादरी है। पहले शेर की हम तशरीह देख लेते हैं। जी, अब चलते हैं अशार की तशरीह की जानिब, वजाहत की जानिब। पहला शेर है हमारे पास, नबी दूसरों के पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई बनाकर भेजा है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया, बरगजीदा पैगंबर हैं। मुस्तफ़ा लफ्ज़ यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का